हमारी शांति को नहाते नहाते मूत्र विसर्जन करना होता है, इनको नहाते नहाते पानी पीना। पूंछ दिख रही है, खड़ी हो गई, अब खुद ही समझ जाओ। दोस्तों आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और टाइटल आप लोगों ने पढ़ी लिया है, हाय गर्मी। और आज हम लोग शांति, जल्ला, जगह, जोरावर सभी को नहलाएंगे। पहला नंबर लगाएंगे हम लोग हमारी शांति का दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारी शांति का आलसपना, मतलब उठ ही नहीं रही दोस्तों। पानी डल रहा है लेकिन चली, खैर उठ जाएगी, अभी पानी ऊपर डाला जा रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं उठती। तो बस इसी तरह से पानी डाला जाएगा, खुद ब खुद उठ जाएगी। आलसी आई बहुत ख़राब है, बदमाश हो रही है अभी। ओ चलो होगी खड़ी। चलिए अब अच्छी तरह से हमारी शांति को धोया जाएगा, नहलाया जाएगा, सहलाया जाएगा। आपके सामने ये दोस्तों, ये देखिए गर्मी, जो मैंने टाइटल आप लोगों ने पढ़ा है ना, हाई गर्मी, ये ऐसे वैसे नहीं लिखा दोस्तों, सच में बहुत गर्मी है यार। तो प्लीज़ आप लोग ख्याल रखें, अपने जो पशु हैं, आपके जो पेट्स हैं, आपके आसपास जो एनिमल्स हैं, हो सके तो नहला दीजिए, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हो जाता है। तो अभी इसको अच्छी तरह से साबुन लगाया जा रहा है, अच्छी तरह से नहलाया जाएगा साबुन के साथ, घिस घिस के एकदम, ताकि कोई स्मेल वगैरह हो, कुछ भी हो वो ना रहे, अच्छा रहे वातावरण, अच्छा हो इनका बस। और दोस्तों अगर साबुन की बात करो आप, कि जो साबुन या शैम्पू होता है, क्योंकि अक्सर लोग हमें पूछते हैं, जब मैं डॉग फैमिली उनको भी नहलाता हूँ या इनको भी, तो अक्सर पूछा जाता है। तो शैम्पू या साबुन कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, डॉग्स शैम्पू होते हैं या ऐसे साबुन होते, लोग उसी से नहला देते थे, लेकिन आजकल स्पेशल इनके लिए भी आ रहे हैं। एक विक्की पंसारी जी करके क्रिएटर हैं यूट्यूब के ऊपर, उनका भी एक अच्छा साबुन मैंने देखा था, चेक किया था। तो मतलब जो आपके एनिमल्स के लिए, जो आपके पशुओं के लिए बेहतर है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता वो चीज़, तो बस वही चूज़ करें, वही सेलेक्ट करें। तो अभी जो साबुन है लग गया था हमारी शांति को, वो अच्छी तरह से उतारा जाएगा दोस्तों। तो वो देखिए पानी सर पे डालिए, जैसे मर्जी डालिए, इसे अच्छा लगता है, बस इसका मतलब ये भी नहलाए जाओ, इसे नहाना अच्छा लगता है, कोई परेशानी नहीं होती, बड़े अच्छे ढंग से नहा लेती है। तो दोस्तों फाइनली हमारी शांति ने नहा लिया, पहला कैंडिडेट निपट गया दोस्तों। दोस्तों अभी दूसरा नंबर पता किसका है, ये देखिए ये बदमाश। और दोस्तों हमारे जैले ने नहाना शुरू कर दिया है, और शांति की तरह दोस्तों इनको भी नहाना बेहद अच्छा लगता है। पानी से बिल्कुल नहीं घबराते, बस पानी डाले जाओ, इसका भी वही हाल है, कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो देखिए वो लाडो घूम रही है उधर, उसका व्लॉग हम लोग जो टाइसन और मिस्ट्री का व्लॉग होगा ना, स्पेशल हाई गर्मी पार्ट 2 करके बनाएंगे, उसमें ऐड करेंगे, वो डॉग फैमिली वाला जो व्लॉग होगा उसमें ऐड करेंगे, इसमें नहीं। और ये देखिए नहाते नहाते इनको प्यास लग जाती है, हमारी शांति को नहाते नहाते मतलब मूत्र विसर्जन करना होता है, इनको नहाते नहाते पानी पीना होता है, बस एक से एक नमूने भरे हुए हैं हमारे पास दोस्तों, एक से एक। और दोस्तों रही बात ये साबुन वगैरह लगाने की, जैसे अक्सर मैंने कहा है कि डॉग्स को जैसे हम लोग नहलाते हैं ना, तो उनका जो जैसे हम कह सकते हैं नेचुरल हेयर ऑयल होता है, वो निकलने का डर रहता है, भी डेली डेली नहीं साबुन लगाना होता, तो इनको जब नहलाया जाता है तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि गर्मी को मिटाया जाए, जो उनकी साफ़ सफाई होती है वो एक फिक्स होता है। आप जैसे भी आप लोगों को सही लगे, आप लोग खैर आप लोग कई लोग बेहतर जानते हैं क्या चीज़ें किस तरह से नहलाना होता है, कब साबुन लगाना है कब नहीं। तो ज़्यादातर यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठंडे हो जाए तो पानी डाला जाता है। और वो देखिए भाई साहब एकदम मतलब मज़े इतने ले रहे हैं, आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो ऐसा इनका बस चले ना तो ये खुरली में लिट्टी जाइए, ऐसा ही पूरे मतलब मज़े ले रहा है, नज़ारे ले रहा है पूरे। और जैसे मैंने कहा कि शांति को पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो डरने वाले वो तो हमारा जग्गा है, वो तो दोस्तों मतलब क्या गए हैं, उसको डरपोक है वो, उसे नहाना मतलब पता नहीं पसंद ही नहीं है, बचपन से ऐसे ही वो, उसकी जो माँ थी ना चन्नो वो भी ऐसी थी दोस्तों, सेम उसी की तरह ये भी। और अब साबुन उतारा जाएगा, भाई साहब के ऊपर पानी डाला जाएगा दोस्तों, अच्छी तरह से इनको साफ किया जाएगा, साबुन रहना नहीं चाहिए शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी। और लगभग इन्होंने भी नहा ही लिया अब दोस्तों, ठंडे हो गए भाई साहब।
बड़े पशुओं को नहलाना दोस्तों आसान होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, एक जगह स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, बस पानी डालो और ये नज़ारे लेते हैं। तो आप भी किया कीजिए, ये अच्छा लगता है इन्हें। तो चलिए अब भाई साहब को ले जाया जाएगा अंदर, अब अगले कैंडिडेट की बारी। और दोस्तों अब बारी है हमारे जग्गे की, जग्गे को बाहर नहीं नहलाएंगे, यहीं पे नहला देंगे हम। और दोस्तों जग्गे के बारे में तो क्या कहने दोस्तों, ये भाई साहब बहुत डरते हैं पानी से, तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। अच्छा एक अच्छी खबर ये है कि जग्गे का जो पाचन क्रिया खराब हो गई थी ना, कीड़े वगैरह हो गए थे, ये अब फिलहाल ठीक है। गोबर वगैरह भी भाई साहब ठीक कर रहे हैं और कोई बात नहीं, फिलहाल इनको धीरे धीरे हम लोग लाइन पर ले आएंगे, स्वस्थ कर लेंगे। अब फिलहाल कमज़ोर बहुत हो गया लेकिन कर लेंगे। ओके, इसको ज़्यादा नहीं नहलाते साबुन के साथ, इसको इसलिए नहीं नहला रहे क्योंकि इसको नहलाया था, आई थिंक पापा ने कल नहलाया था इसको, तो आज सिर्फ ठंडा किया जा रहा है इनके ऊपर पानी डाल के। ओए जग्गे उस्ता नहा लिया, हो गया ठंडा, डरपोक यार तू, डरता क्यों पानी से इतना, चल आराम कर अब। और दोस्तों ये मेम साहब बीच में घूम रही है लेकिन इनको नहलाएंगे नहीं, इनको नेक्स्ट ब्लॉग में नहलाएंगे। अभी बारी है जोरावर की, तो जोरावर के बारे में अगर आप लोग पूछोगे इसको नहाना अच्छा लगता है या नहीं, पूंछ दिख रही है खड़ी होगी, अब क्या बताऊँ आपको, खुद ही समझ जाओ। इसको नहाना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बिल्कुल नहीं घबराता ये नहाते वक्त। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जोरावर यू नो दूध वगैरह अच्छे से पीता है, फीड वगैरह खानी शुरू कर दी है, भाई साहब हेल्दी हैं, नहाना भी इनको पसंद है। और क्या चाहिए, बुल्स जो होते हैं ना जब तैयार होते हैं, यही सब जो पशु पालक होते हैं जो गाँव वाले वो समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं, यही पसंद करते हैं। और जोरावर बहुत ही क्यूट है दोस्तों, मतलब मस्ती गोर हो रहा है जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, तो बस आपके सामने ये देखिए कितने मतलब आराम से प्यार से नहा रहा है क्योंकि इसे पसंद है ये चीज़ें। और दोस्तों इसको भी ज़्यादा नहलाना नहीं होता है क्योंकि अभी बच्चा ही है, धीरे धीरे इसको यू नो पानी की जो इसकी क्षमता है, जो इसकी जो नहाने का टाइम है वो भी इंक्रीज़ कर देंगे। अभी बच्चा है ना, अभी ज़्यादा भी इतना भी नहीं करना कि बीमारी हो जाए, वैसे चलिए भगवान ना करे ऐसा हो, दुआ कीजिए कि बस ये स्वस्थ रहे, बीमार क्यों होगा, हेल्दी है बस ऐसा ही रहे। लेकिन वही सावधानियाँ बरतनी पड़ती है ना कि बस ख्याल रखना पड़ता है कि स्वस्थ रहें और कुछ नहीं, यही चीज़ें हैं। और ये भाई साहब मतलब ना नटखट हो रहे हैं आजकल, इसके जो नटखट अंदाज है वो मैं कैच करने की कोशिश करूंगा, आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाएंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वो सभी आपको पसंद आएंगे दोस्तों। और ये भाई साहब आजकल पता है कि जब दूध पी के हटते हैं या इस तरह से इनके ऊपर पानी डाला जाता है तो भंगड़ा करते हैं कभी कभी, पता नहीं मस्ती आ जाती है इसके और कुछ। ओ देखिए अभी कहा ही है मैंने आपके सामने, देखिए तो बस ये ऐसा ही है हमारा जोरावर दोस्तों, आपके सामने ही है, बहुत ही प्यारा है ये। और दोस्तों यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है क्या, नहाने से मतलब डर गया, ऐसा नहीं है। गोलू को नहलाया नहीं जाता, इसको ना लास्ट ईयर नहीं कोरोना टाइम में 20 में तब 2-3 बार नहलाया तो भाई साहब बीमार हो गए, उल्टा ये भी बीमार, इनको भी तंगी, डॉक्टर का मतलब आना जाना बस वही लगा रहा। तो इनको नहलाया बहुत कम जाता है, पापा अपने हिसाब से यू नो सफाई करते हैं इनकी कपड़े के साथ, गीले कपड़े के साथ उस हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब अंदर छुपे हुए हैं, बस वैसे ही देखता है जी वो नहा रहे हैं बाहर, सभी कार्य चला हुआ है। लेकिन इनको बस वही बात रीज़न आपको बता दिए कि जो फर वाले एनिमल्स होते हैं वो बीमार होने का डर रहता है, ये देखिए ये जो है ये चीज़ यहाँ पे ये देखिए, तो ये ख्याल रखना पड़ता है हमें बस, और कोई चक्कर। तो खैर दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। और हाई गर्मी पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, मिलते हैं आपसे अगली बार, जय हिंद।